मेरे साथ निकालें एमाल उसका 28वां बाब। से लेके 10 तक पढ़ दें। जब हम पहुंच गए तो जाना कि इस टापू का नाम मलते है और इन अजनबियों ने हम पर खास मेहरबानी की क्योंकि मी की झड़ी और जाड़े के सबब से उन्होंने आग जलाकर हम सब की खातिर की थी। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा जमा करके आग में डाला तो एक सांप गर्मी पाकर निकला और उसके हाथ पर लिपट गया। फिर से कहने वो वर्स 1, अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसके बाद फिर मैं ये भी हटा दूंगा ताकि हमारा स्टेज क्लियर हो जाए और कोई और आयत मैं नहीं बोलूंगा। ध्यान से सब सुन लें। जब हम पहुंच गए तो जाना के इस टापू का नाम माल्टे है। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि वो ये लोग किसी आइलैंड पे पहुंचे हैं और उस आइलैंड का नाम जो है इधर लिखा है मलीटा लेकिन नॉर्मल बाइबल में उसका नाम लिखा है माल्टा, जिस जो आज के नाम आज भी माल्टा नाम से ये शहर ये मुल्क है। नेक्स्ट, और इन अजनबियों ने हम पर खास मेहरबानी की। ध्यान से सुनिएगा, खास मेहरबानी पे नोटिस कीजिएगा। क्योंकि मैं की छड़ी और जाड़े के सबब से उन्होंने आग जलाकर हमारी खातिर की, यानी जाड़े का मौसम है, सर्दी का मौसम है, पीछे जाएं, सर्दी का मौसम है और बारिश का मौसम है और उसको सेक लगाने के लिए, गर्मी देने के लिए उन्होंने आग जलाकर खातिर की। नेक्स्ट, जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा जमा करके आग में डाला, सुनिएगा, जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा जमा करके आग में डाला तो एक सांप गर्मी पाकर निकला। ध्यान से सुनिएगा, एक सांप गर्मी पाकर निकला और उसके हाथ पर लिपट गया। नेक्स्ट, जिस वक्त उन अजनबियों ने वो कीड़ा यानी सांप उसके हाथ में हाथ से लटका हुआ देखा तो एक दूसरे से कहने लगे कि बेशक यह आदमी खूनी है, अगर चाह समुंदर से बच गया तो भी अदल इसे जीने नहीं देता। नेक्स्ट, बस उसने कीड़े को यानी उस सांप को आग में झटक दिया और कुछ जरर ना पहुंचा। नेक्स्ट, मगर वो मुंतजर थे कि उसका बदन सूज जाएगा या ये मरकर यकायक गिर पड़ेगा, लेकिन जब देर तक इंतजार किया और देखा कि इसको कुछ जरर ना पहुंचा तो और ख्याल करके कि ये तो कोई देवता है। नेक्स्ट, वहां से करीब पुलिस नाम इस टापू के सरदार की मिलिक थी, इसने घर ले जाकर 3 दिन तक बड़ी मेहरबानी से हमारी मेहमानी की। नेक्स्ट, और ऐसा हुआ कि पेबलुस का बाप और पेचिस की वजह से, एक्चुअली बुखार और पेचिस की वजह से बीमार पड़ा था, पौलुस ने उसके पास जाकर दुआ की, उस पर हाथ रख कर शिफा दी। नेक्स्ट, और जब ऐसा हुआ तो बाकी लोग जो उस टापू में बीमार थे आए और अच्छे किए गए और उन्होंने हमारी बड़ी इज्जत की और चलते वक्त जो कुछ हमें दरकार था जहाज पर रख दिया। हालेलुया। अब कंप्यूटर बंद कर दें, रसल भाई बेगम के साथ आके बैठ जाएं, इधर ध्यान से सुनिए, इधर आ जाएं और ये स्क्रीन भी ऑफ कर दें, ऊपर उठा दें, दाएं कौन है, स्क्रीन ऊपर उठा दें, स्विच ऑफ कर दें ऊपर से। उम्मीद है आप सबने ध्यान से सुना होगा। हालेलुया। जब हम पहुंच गए तो जाना उस टापू का नाम माल्टे है। हालेलुया। मैंने कुछ हफ्तों पहले ही दूसरे वाले हॉल में एक मैसेज शेयर किया था पौलुस के सफर के बारे में,
पौलुस के सफर के बारे में मैंने एक मैसेज शेयर किया था जिसमें उसके दिल की ख्वाहिश थी कि वो रोम के बादशाह के सामने खुदा की अंजील सुनाए, यीशु मसीह की खुशखबरी उसको सुनाए, और उसके दिल में बड़ी चाह थी। खुदा ने उसे रोके रखा और पूरे तकरीबन 2 साल के बाद उसके ये ख्वाहिश, 2 साल नहीं 20 साल के बाद उसकी ये ख्वाहिश पूरी हुई और वो रोम के बादशाह को मिलने के लिए वो गया। लेकिन उस तरह से नहीं गया जिस तरीके से उसको जाना चाहता था, कोई बड़ा प्रीचर बन के जाना चाह रहा था या कोई बहुत बड़ा खादिम बन के जाना चाह रहा था। लेकिन जब रोम के बादशाह के पास उसका जाना हुआ तो बहैसियत एक कैदी के वो गया, और कैदी जिस जहाज में वो गया था उस जहाज में सब मिला के 276 लोग थे, 276 कैदी थे जिनको वो जहाज लेके गया था। और जहाज यरूशलम से चला और उसको रोम की तरफ जाना था, और पूरी सारी चीजें बिल्कुल क्लियर थी, मौसम उनके साथ था, हवाएं उनके फेवर में थी, सारी चीजें उनके फेवर में थी, और वो इस हिसाब से अपने सफर का आगाज किया कि हमें जिस मंजिल पे जाना है हम उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे, हमारे जिंदगी में कोई जहाज के सामने कोई रुकावट नहीं आएगी। और फिर हम देखते हैं, और हमने सुना है, कुछ लोगों ने मैसेज नहीं सुना है, वो प्लीज यूट्यूब और फेसबुक पे मैसेज देख सकते हैं। हमने देखा कि उस जहाज पे तकरीबन 14 दिन तक तूफान उस जहाज पे टकराता रहा, पानी समुंदर में ऐसा तूफान आया कि 14 दिन तक वो तूफान जहाज से टकराता गया, और एक टाइम ये आया कि वो जहाज, इतना बड़ा जहाज मुकम्मल टूट फूट गया, और ये 276 लोग तैरते हुए ये एक जजीरे पे पहुंचे। और जब वो उस जजीरे पे पहुंचे तो उस जजीरे का नाम हमने यहाँ पे पढ़ा, उस जजीरे का नाम माल्टा है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? हालेलुया। तो जब ये इस जजीरे पे पहुंचे हैं तो इनको कोई आइडिया नहीं था कि ये जजीरे का नाम क्या है, ये कौन सी जगह है, इसका नाम क्या है। ये तो अपनी जान बचाते बचाते किसी तरह से उस जजीरे पे पहुंच गए, और जब उस जजीरे पे पहुंचे, लोगों से मिला, तब उनको मालूम हुआ कि ये जजीरे का नाम माल्टा है। हालेलुया। आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी जो है ये बहुत सारे सरप्राइजेस के साथ भरी हुई है। इसमें सरप्राइजेस हैं, इसमें अजीबोगरीब आपके साथ ट्विस्ट होते हैं, अजीबोगरीब आपके साथ कहानियां हो जाती हैं और आपको नहीं पता चलता, आप बहुत सारी चीजों का प्लान नहीं करते हो और वो अचानक आपके सामने आ जाती हैं, वो अचानक आपके सामने आ जाती हैं। आप जिंदगी का अपना सफर शुरू करते हैं और आप सोचते हैं कि मैं, ये मेरा रुख है या ये मेरी डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन पे मैं जाऊंगा और सीधा पहुंच जाऊंगा। आज मैं आप सबको इनवाइट करता हूं कि आप कल के दिन टाइम निकालें और यूएई की जेलों में जाएं, जितनी जेल आपके घर के करीब है उन सारे कैदियों से मिले, उनसे पूछे कि आप लोगों ने प्लान किया था जेल में आने का या नहीं, किस किसने प्लान किया था जेल में आने का। हर एक शख्स बोलेगा किसी के वहम और गुमान में भी नहीं था कि हम जेल में आ जाएंगे। हम अपने दिमाग में, अपने दिल में सपने लेके आए थे दुबई आने के कि हम यहां पे आएंगे और यहां पे आके हम कुछ रोजगार कमाएंगे, अपने बच्चों की, घर वालों की हम अच्छी जिंदगी उनको मुहैया करेंगे, और फिर कुछ अरसे के बाद पैसा जमा करके हम शायद यहां से आगे यूरोप कनाडा की तरफ हम निकल जाएं और परमानेंट हम वहां बच जाएं। हमारे कई वहमों गुमान में नहीं था कि मैं यहां पे आने के बाद इस जेल में सड़ रहूंगा। क्यों? क्योंकि बीच में कुछ तूफान आ जाते हैं, जैसे इन लोगों के साथ हुआ, बीच में जिंदगी में ट्विस्ट आते हैं, बीच में जिंदगी में सरप्राइजेस आते हैं, तूफान आते हैं, आंधियां आती हैं, और इनके साथ भी ऐसे ही हुआ था और हमारी सबकी जिंदगी में इसी तरह होता है कि बीच में कुछ तूफान आए, कुछ उन्होंने शायद गाड़ी चलाते हुए किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी से कोई इमारती खुदा ना खासा मर गया या कोई लोकल मर गया। आपको पता है जब इधर एक्सीडेंट में कोई सामने वाला बंदा मर जाए तो फिर जेल होती है या फिर बहुत लंबा फाइन आपको लगता है, ब्लड मनी जिसे कहते हैं। तो उनके जहन में नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा इस मुल्क में, लेकिन ऐसा हो गया और वो उस जगह पे बजाय जिस जगह जाने के वो फाइनली कहां पे, जेलों में बैठे हुए। यहां पे आए थे कुछ सपने सजा के, यहां पे आए थे कुछ होप लेके हम कुछ करेंगे, लेकिन यहां पे क्रेडिट कार्ड के चक्करों में, कुछ कर्जों के चक्कर में ऐसे फंसे
کہ قرضے ادا نہیں کر سکے, اور جب ادا نہیں کر سکے تو فائنلی بینک نے پولیس میں کیس کر دیا اور ان لوگوں کو پکڑ کے پولیس میں جیل کے اندر ڈال دیا. یہ ہماری زندگی کی سب کی کہانی ہے. کچھ ہماری بہنیں ہوتی ہیں, بھائی بھی ہوتے ہیں, لڑکے بھی ہوتے ہیں, لڑکیاں بھی ہوتی ہیں. زیادہ تر لڑکیوں کو ہوتا ہے کہ کوئی اچھا رشتہ یورپ سے آ جائے, کوئی یو کے سے آ جائے, کوئی کینیڈا سے آ جائے, اور جب آ جاتا ہے تو بڑے فخر سے, ساری میں سمجھتا ہوں ساری لڑکیوں کو اس بات پہ بڑا فخر ہوتا ہے, میرا رشتہ یورپ سے آیا ہے, تو میرا رشتہ یہاں سے آیا ہے, میرا رشتہ وہاں سے آیا. ہم سے پوچھو بھائی پھر شادی کیوں نہیں ہوئی وہاں پہ, تو اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا ہے. تو ان کے ذہن میں, عامر بھائی سائڈ سے آئیں گے پلیز, ہللویا. تو ان لڑکیوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ چلے ہم کسی اچھی جگہ پہ ہماری شادی ہوگی اور ہم اچھی زندگی گزاریں گے, اور ان کا رشتہ آ جاتا ہے یورپ سے اور کینیڈا سے اور دبئی سے کہیں سے آ جاتا ہے, اور وہ لڑکا بھی ان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے, جیسا انہوں نے سپنوں کا راجکمار مانگا تھا ویسے ہی ان کو مل بھی جاتا ہے. لیکن جب وہ شادی کر کے یہاں آتے ہیں یا یورپ جاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ ویسا نہیں ہے جیسا وہ اپنے آپ کو دکھا رہا تھا. اس کی نظر تنگ ہے, یہ شرابی نکلا ہے, یہ دوسری عورتوں کے ساتھ انوالو ہے, بہت ساری خامیاں بعد میں پتہ چلتی ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک طرح کا وہ بیچ کا ایک جگہ ہے جہاں پہ ہم آگے ٹھہر جاتے ہیں. ہم نے پلان نہیں کیا ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہنچیں گے, لیکن اچانک زندگی میں طوفان ایسے آتے ہیں کہ ہمیں اس جگہ پہ لے جاتے ہیں. جیسے یہ لوگ, ان لوگوں نے پلان نہیں کیا تھا کہ ہم اس مالٹا کے جزیرے پہ پہنچیں گے, لیکن یہ جزیرے پہ آ گئے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ بہت سارے لوگ بڑے ڈائٹ کانشیس ہوتے ہیں, بڑے رک رک کے کھانا کھاتے ہیں. ہمارے ندیم بھائی اور بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کو آپ کتنا ہی کچھ کر لو, ان کو ان سے ایک نوالا زیادہ نہیں کھلا سکتے. ایسا کیس میرے ساتھ نہیں ہے, مجھے آپ جتنا کھلائیں گے میں کھاتا رہوں گا. تو کچھ لوگ بڑے ڈائٹ کانشیس ہوتے ہیں, بڑے اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, لیکن ایک دن پتا چلتا ہے یار یہ شوگر کہاں سے ہوئی میرے جسم میں, یار یہ بلڈ پریشر کہاں سے ہو گیا, میں تو اتنا کنٹرول کرتا تھا, سب کچھ کرتا تھا, یہ اچانک ایسا کیسے ہو گیا. تو یہ جو ہے, یہ جو چیز جو انایکسپیکٹڈ ہوتی ہے, جس کا آپ نے سوچا نہیں ہوتا, یہ اچانک آپ کی زندگی میں ہو جائے, تو اسے کہتے ہیں کہ آپ ایکسیڈنٹلی کسی طوفان میں سے گزرتے ہوئے اس جگہ آ گئے جہاں کا آپ نے پلان نہیں کیا. ہللویا. آج ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جو اس طرح سے ہی سوچ کے اس دبئی میں آئے تھے. ہو سکتا ہے آپ کی زندگیوں میں بھی ایسا ہی سلسلہ چل رہا ہو کہ میں چاہ کچھ رہا تھا, ہو کچھ گیا, اور میں جس جگہ پہ آ کے بیٹھا ہوں وہ جگہ وہ نہیں ہے جو میں چاہ رہا تھا. ہللویا. آج میرے پاس آپ دونوں, آپ سب کے لیے دو اچھی خوشخبری. کس کس نے سنی ہے؟ سب نے سنا. اچھا, کس کس طرح, کس کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کے حالات میں سے گزر رہے ہیں, جو چاہتے پوچھتے پہنچ گئے, کچھ کہاں پہ آ گئے کچھ پتا نہیں ہے, آگے یا آخر اس منزل تک پہنچ پائیں گے نہیں پہنچ پائیں گے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں, اور ان سارے لوگوں کے لیے دو خوشخبری ہیں. پہلی خوشخبری یہ ہے کہ یہ جس جگہ آئے ہیں, بائبل بتاتی ہے کہ یہ کچھ دن وہاں پہ ٹھہرے. کچھ دن ٹھہرنے کے بعد ان کی بڑی خاطر تواضع کی گئی, اور جب انہیں رخصت کیا گیا, انہیں خوب سارا مال سامان کے ساتھ انہیں رخصت کیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ 276 لوگ آ کے اس ٹاپو میں, اس مالٹا میں آ کے رکے تھے, یہ ہمیشہ کے لیے نہیں رکے, یہ کچھ دن کے لیے رکے تھے, یہ ٹیمپرری ان کا اسٹے تھا. تو پہلی خوشخبری آپ سب کے لیے جو اس طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں, پہلی خوشخبری یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کے کسی طوفان میں سے گزر گئے, کسی ایسی جگہ آ گئے جہاں پہ آپ کو نہیں پتا میں کیسے پہنچ گیا اور میں آگے اپنی اس منزل تک پہنچ پاؤں گا نہیں پہنچ پاؤں گا, میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ایک ٹیمپرری پلیس ہے. کون سی؟ یہ ایک ٹیمپرری جگہ ہے. یہاں شاید کچھ دن آپ کو خدا کھڑا کرائے, یہاں شاید کچھ دن آپ کو خدا رکوائے, اور اس کے بعد خدا آپ کو اس جگہ لے جائے گا جہاں پہ انہوں نے جانا تھا. ہللویا. میں سمجھتا ہوں اس بات پہ آپ لوگوں کو خدا کے لیے تالیاں بجانی چاہیے کہ خدا نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے, خدا کی نظر آپ کے اوپر ہے,
खुदा का ध्यान आपके ऊपर है और खुदा देख रहा है कि यार ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, इसकी डायरेक्शन इस जगह पे थी, यहां जाना चाहता था, जिंदगी में ये बनना चाहता था, ये बन नहीं सका, इस तूफान की वजह से ये इस जगह पे आके ठहर गया है। उन सबको पास्टर हेनरी बताओ कि ये टेम्पररी प्लेस है, यहाँ ये जगह नहीं है जहां पे इन्होंने हमेशा रह जाना है, ये वो जगह नहीं है जहां पे ये अपना दम दे देंगे या ये मर जाएंगे इस जगह पे, खुदा इनको इस जगह कुछ दिन रखने के बाद निकाल के लेके चला जाएगा। हालेलुया। अगर आज आप में से कोई आपका रिश्तेदार या जो कोई मेरा मैसेज सुन रहा है किसी तरह के भी फाइनेंशियल हालात में, किसी तरह की भी प्रॉब्लम में, या जेल के या पुलिस के चक्कर में पड़ा हुआ है, मैं उसे तसल्ली के लिए बताना चाहता हूं, सनी जाओ, मैं उसे तसल्ली के लिए बताना चाह रहा हूं कि खुदावंत आपके साथ है और खुदावंत आपको छोड़ेगा नहीं, और खुदावंत यहां से आपको बहुत जल्द निकाल के दूसरी जगह लेगा। हालेलुया। आप हो सकता है जॉबलेस हो सकता है आप जॉबलेस हो, जॉब ढूंढ रहे हो, जॉब नहीं मिल रही हो, लेकिन खुदा का पैगाम आपके लिए क्या है कि कुछ दिन ये टेम्पररी जगह है, क्या है, ये आरजी जगह है, ये टेम्पररी जगह है, खुदा थोड़े दिन के बाद यहां से आपको इन हालात में से निकाल लेगा, इस कंडीशन में से निकाल लेगा, और खुदा आपको उस जगह पे लेके जाएगा जहां पे आपने सोचा होगा। कितने लोग इस बात पर ईमान रखते हैं खुदा हमारा सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। वो तूफानों में से आता है, वो तूफानों के ऊपर चल के आता है और तूफानों में से अपने लोगों को निकाल के उस जगह ले जाता है जहां पे उनको जाना है। हालेलुया। आप हो सकता है किसी बीमारी में मुब्तला हो सकता है कोई बीमारी आपके जिस्म में हो, लेकिन खुदा आज आपको क्या बोल रहा है, ये बीमारी वो जगह नहीं है जहां पे आपने मर जाना है, ये बीमारी वो चीज नहीं है जहां पे आपने मर जाना है, ये बीमारी थोड़े दिन के लिए आरजी है, टेम्पररी प्लेस है, खुदा इस बीमारी में से आपको निकाल के मुकम्मल कामिल शिफा में लेके जाएगा। हालेलुया। दो मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें, अदन के लिए दुआ करते हैं, वो बच्चा अभी भी ठीक नहीं है। आसमानी बाप, यीशु के कादर नाम से खुदावंद हम इस बात पे ईमान रखते हैं कि अदन के लिए भी ये आरजी जगह है, अदन के लिए भी ये खुदावंद टेम्पररी प्लेस है। खुदावंद हम इस बात पे खुदावंद हिम्मत नहीं हारते हैं कि ये बच्चा हमेशा अस्पताल में रहेगा या बच्चे की कंडीशन हमेशा ऐसी रहेगी। हम इस बात पे ईमान रखते हैं खुदावंद के ये बच्चा जिस जगह पे है ये आरजी तौर पे कुछ दिनों के बाद खुदा इसे दोबारा से अपने घर में लेके जाएगा जहां पे कामिल शिफा के साथ होगा। खुदावंद हम ये ईमान के साथ ये आपके कलाम को, ये प्रॉमिस को हम क्लेम करते हैं कि अदन ने शिफा ले ली है और कुछ दिनों के बाद वो अपने घर में जाने वाला है। हालेलुया, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। कितने लोग अदन को जानते हैं? बहुत सारे लोग जानते हैं। भाई तारिक का भतीजा है, भाई मुबारक, यहाँ पे बैठे नहीं बैठे? हाँ भाई मुबारक का भी भतीजा है, छोटा सा बच्चा है, 6-8 साल का है, उसको ब्रेन ट्यूमर डॉक्टर ने बताया था और एक ऑपरेशन उसका हो गया, उसके बाद फौरन ही दूसरा ऑपरेशन हुआ है। तो आज हम ईमान रखते हैं खुदा उस बच्चे को छोड़ेगा। हालेलुया। ओके, तो पहली खुशखबरी क्या है कि ये टेम्पररी प्लेस है। दूसरी खुशखबरी, बाइबल में लिखा हुआ है, आपने सुना था कि उन्होंने खास मेहरबानी करी हम पे, जिस जगह हम लोग गए, जिस जगह पे गए उन्होंने खास मेहरबानी हम पे करी। हालेलुया। देखें, अगर आप किसी तूफान की वजह से, किसी परेशानी की वजह से, आपका सफर जिंदगी का सही चल रहा था, कोई तूफान आया और तूफान ने उठा के आपको किसी और जगह फेंक दिया, पहली चीज खुदा क्या बोल रहा है, पहली चीज ये कि इस जगह तुम आ गए हो, ये वो जगह नहीं है जहां पे खुदा तुम्हें मरने देगा। खुदा इस जगह से निकाल के दोबारा से आपको आपके रास्ते पे डालेगा ताकि आप उस जगह पे पहुंच सके। दूसरी चीज क्या खुदा बोल रहा है कि अगर आप तूफान के बायस, इस परेशानी के बायस आप इस टापू में आ गए, इस आइलैंड पे आ गए, इस जगह पे आ गए जहां पे इस वक्त हालात सारे खराब हैं, आपको नहीं पता मैं यहाँ क्यों आ गया हूं, लेकिन खुदा क्या बोल रहा है, यहाँ पे खुदा आपको एक स्पेशल आपके साथ फेवर करेगा, स्पेशल आपके साथ काइंडनेस करेगा। उन लोगों ने, इन जो उस टापू के लोग थे, जो माल्टा के लोग थे, उन्होंने ये 276 लोगों के साथ बड़ी मेहरबानी की, बाइबल में लिखा है खास मेहरबानी करी। समझ आ रही है? तो आज अगर आप जिंदगी के अपने सफर में से भटक जाते हैं, किसी और जगह पहुंच जाते हैं जहां पे आपने आना नहीं था, पहली चीज खुदा क्या बोल रहा है, ये टेम्पररी प्लेस है। दूसरी चीज खुदा क्या बोल रहा है, ये वो जगह है जहां पे खुदा आपको अपनी खास मेहरबानी दिखाएगा। हालेलुया।
अगर आप आज जॉबलेस हैं, मेरी बात ईमान से लें, मैं इस बात को अपने ऊपर लेके आपको बताना चाहता हूं कि खुदा किस तरह से मेहरबान है। 2010 में मैंने जॉब छोड़ी थी, उसके बाद मैंने अपना काम शुरू किया, चलता था नहीं चलता था, इस तरह चल रहा था और चल भी रहा है अभी तक। लेकिन 2010 से आज 2019 हो गए, 9 साल हो गए, 9 साल से मैं समझ लो उस टापू में हूं जो माल्टा कहलाता है। मुझे नहीं पता मैं यहां क्यों आ गया, मुझे नहीं पता मैं इस कंडीशन में, इस सर्कमटेंसेस में क्यों आ गया, लेकिन खुदा क्या बोल रहा है, खुदा मुझे बोल रहा है कि ये आरसी जगह है, ये टेम्परेरी जगह है हेनरी, हमेशा तुझको मैं यहां नहीं रहने दूंगा। दूसरी चीज खुदा क्या बोल रहा है, मैं खास मेहरबानी इस पूरे टाइम में तेरे साथ करूंगा। और खुदा ने हमारे साथ करी है। मैंने देखा है लोगों की 2 महीने जॉब खत्म होती है, उसके बाद 3रे महीने अपना बैग पैक करते हैं और पाकिस्तान इंडिया चले जाते हैं। बड़ी से बड़ी पोजीशन वाले मेरी आंखों के सामने से मैंने देखे हैं, बैग पैक करते हैं और वापसी चले जाते हैं। खुदा 9 साल तक हमें इस मेहरबानी के साथ, इस खास मेहरबानी के साथ, 5 बच्चों के साथ खुदा ने यहाँ पे रखा हुआ है। ये खुदा का स्पेशल फेवर है। अगर खुदा आपको उस जगह लेके आएगा, खुदा एक स्पेशल मेहरबानी आपकी जिंदगी में करेगा। अगर आप लोग किसी भी तौर पे आज इस हालात में से गुजर रहे हैं, मेरे अल्फाज अपनी जिंदगी में लें, खुदा आपकी तरफ देख रहा है, खुदा आपको छोड़ेगा नहीं बल्कि खास मेहरबानी आपकी जिंदगी में करेगा और आप इस चीज को फील करेंगे। 3 साल तक मैंने बताया था मेरी फैमिली के पास मैं वीजे के लिए गया, मेरा वीजा लग गया, मेरी फैमिली का वीजा नहीं लगा। 3 साल तक कोई वीजा नहीं था, 3 साल तक कोई वीजा नहीं, पता है 2014 से लेके 2017 तक कोई वीजा नहीं था। और फाइन कितना पड़ गया इन लोगों पे, 3 लाख दिरहम। स्कूल क्या कहते हैं, हर साल आपने नया आईडी कार्ड एमिरेट्स आईडी लेके आना है। 3 साल तक हमारे किसी बच्चे के स्कूल ने एक दफा नहीं बोला कि जनाब बच्चों का नया आईडी भेजो। क्यों? क्योंकि खुदा क्या बोल रहा है, अगर मैं इस जगह पे लेके आऊंगा तो इस जगह पे मैं स्पेशल फेवर दूंगा, स्पेशल मेहरबानी करूंगा, एक खास मेहरबानी करूंगा जो समझ में नहीं आएगी। और हमें भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्यों नहीं मांग रहे, क्योंकि 1 साल के बाद अगर एमिरेट्स आईडी नहीं दिया, बच्चों को सबको निकाल के बाहर फेंक देंगे, कहेंगे हमें नहीं पढ़ाना है बच्चों को। लेकिन 3 साल तक खुदा ये मेहरबानी करता रहा और मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। कैमरे पे जा रहा है, लाइव जा रहा है, मुझे कोई शर्म नहीं है इस चीज के लिए, क्योंकि खुदा ने ऐसे बड़े बड़े काम मेरी जिंदगी में किए और ये खुदा आप सबकी जिंदगी में कर सकता है। मुझसे पहले किसी ने पूछा कि वो 3 लाख का फाइन हुआ क्या, 3 लाख का फाइन एक एक बच्चे पे शायद 50-50 हजार का था। सब चीजें खत्म करके खुदा, लोग गवर्नमेंट ने बोला 4-4 हजार दें एक बच्चे का और सब किया। अब हम सबके पास वीजा है, सबके पास लीगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया। 3रे साल जब स्कूल ने प्रॉब्लम की कि वीजा हमें चाहिए, हमें पासपोर्ट चाहिए, हमें नया वीजा चाहिए, आईडी कार्ड चाहिए, तब खुदा ने काम किया और सब चीजें ठक 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 2 सेकंडों में हो गई। ये खुदा हमारा ऐसा खुदा है। अगर वो आपको टापू पे लेके आ जाएगा, अगर वो आपको ऐसी जगह लेके आ जाएगा तो वहां पे वो छोड़ेगा नहीं, स्पेशल मेहरबानी आपकी जिंदगी में करेगा, स्पेशल तौर पे आपको प्रोवाइड करेगा। हमें नहीं पता कहां से हमें मिलता है, कहां से खुदा मुहैया करता है, लेकिन खुदा हमारा मेहरबान खुदा है। खुदा ये करेगा और आपकी जिंदगी में करेगा। बिल्कुल बदल ना हो, बिल्कुल हिम्मत नहीं आ रहे, खुदा हमारा प्यार करने वाला खुदा है, वो आपको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। अब आते हैं अपने सर टॉपिक पे। बाइबल बताती है कि उन लोगों ने, चूंकि जाड़े का मौसम था, बारिश हो रही थी, तो उन्होंने सबसे पहले, चूंकि समुद्र से तैरते हुए सारे 276 लोग निकले थे, तो समुद्र से जब तैरते हुए लोग निकले थे, कपकपा रहे थे ये लोग, सर्दी में ठिठर रहे थे, तो उन गांव वालों ने या शहर वालों ने क्या किया, एक बड़ी सी आग जलाई और इनको उस आग के गिर्द जमा किया ताकि अपना जिस्म गर्म करें। जब वो आग जला रहे थे तो पौलुस ने वहां पे भी बैठना गवारा नहीं किया। पौलुस ने बोला नहीं, मैं बैठूंगा नहीं, बल्कि मैं इनकी मदद करता हूँ। और पौलुस ने एक लकड़ियों का बंडल था, एक लकड़ियों का गठी थी, उसको उठाया और उसको उठा के उस आग की तरफ ले गया यार, और आग में उसको फेंक दिया। और जैसे आग में फेंका तो बाइबल बताती है गर्मी से घबरा के एक सांप जो है वो पौलुस के हाथ पे लिपट गया, और उसके हाथ पे लिपट के ना सिर्फ लिपट गया बल्कि उसको डस। यहां पे
उर्दू में लिखा हुआ है कीड़ा सांप का भी जिक्र है कि सांप निकला बाद में फिर कीड़ा कीड़ा बोल रहे हैं। उसकी वजह क्या है मैं समझा देता हूँ। ये स्पेशल सांप है, ये इसका नाम इंग्लिश की बाइबल में अगर आप देखेंगे इसका नाम लिखा हुआ है वाइपर, इसको कहते हैं वाइपर। ये छोटा सा 2-2.5 फीट का सांप होता है, इंतहाई जहरीला होता है, इंतहाई जहरीला होता है। और ये अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो जरूर यूट्यूब पे देखें कि सांप का जहर जो होता है वो क्या काम करता है इंसान की बॉडी में, अगर वो डस ले तो किस तरह से काम करता है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि सांप जब अपना जहर डालता है तो जहर थोड़ी सी देर में, कुछ सेकंडों के अंदर, वो जहर हमारे खून में शामिल हो जाता है। और जब वो खून में शामिल हो जाता है तो खून हमारा, आपने देखा किस तरह का खून होता है, कुछ पानी से थोड़ा सा गाढ़ा होता है, पानी नहीं कह सकते लेकिन पानी से थोड़ा सा गाढ़ा होता है, बहुत लाइट सा गाढ़ा होता है। लेकिन जब ये जहर सांप का शामिल हो जाता है खून में, मेरी तरफ ध्यान दें, जब ये जहर खून में शामिल होता है तो क्या करता है, ये खून को ना और गाढ़ा करने लगता है, इतना गाढ़ा करने लगता है जैसे शहद हो जाता है। शहद देखा कितना आराम से निकलता, इतना गाढ़ा करता है। अब पीछे फंक्शन क्या चल रहा है, ये खून हमारा पूरे जिस्म में कौन सप्लाई कर रहा है, ये हार्ट हमारा, हार्ट पंप करता है, और जैसे पंप करता है खून सारे जगहों पे पहुंचता है। तो जब खून हमारा गाढ़ा होने लगता है और थोड़ा हार्ड होने लगता है, शहद की तरह होने लगता है, तो जब पंप करता है ना, दिल पंप करता है तो खून दूर तक नहीं पहुंचता है, तो दिल क्या करता है फिर जोर जोर से पंप करता है और तेज तेज, तो क्या होता है दिल की धड़कन तेज होने लगती है लेकिन खून उस जगह पे जाना नहीं, जाता नहीं है जिस जगह पे दिल फेंक रहा होता है, तो क्या होता है एकदम से स्वेलिंग शुरू हो जाती है, जिसम सूजने लग जाता है और सूज के वो शख्स थोड़ी दिनों में, थोड़ी सेकेंडों में वो शख्स मर जाता है। ये सांप का काम है, ये सांप जब डसता है और बाइबल बताती है उसको उसने डसा है, अपना जहर उसके हाथ में सांप ने डाला है, और सांप ने जब जहर डाला है, अच्छा ये मैं आपको बता दूं, सांप जो है ना कोल्ड ब्लडेड होता है, कोल्ड ब्लडेड का मतलब है सर्द खून वाला एक जानवर है, इसको जानवर बोलेंगे कीड़ा बोलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये सर्द खून वाला एक जानवर है, ठंडी जगहों पर पाया जाता है और हमेशा ये छुप के बैठता है, आपको नजर नहीं आता है, आपको नजर नहीं आ रहा है कहां बैठा है, लेकिन सांप जहां बैठा है वहां से उसको सब नजर आ रहा है, वो सबको देख रहा होता है। और टाइम के टाइम यानी हर 3-4 दिन के बाद वो बाहर निकलता है, अपना शिकार पकड़ता है, शिकार खाता है, और 3-4 दिन तक उसको डाइजेस्ट करता रहता है, 3-4 दिन तक उसको फिर भूख नहीं लगती है। ध्यान से सुनिएगा मैं फिर क्या बोल रहा हूं, ये जो होता है सांप जो है ये छुपा हुआ होता है, नजर नहीं आता लोगों को, बाहर से नजर नहीं आता लेकिन ये सबको देख रहा होता है, और जब शिकार का टाइम होता है ये बाहर निकलता है, शिकार अपना पकड़ता है, शिकार को डसता है और लेके चला जाता है अपने साथ, और फिर उसके बाद वो थोड़े अरसे के लिए अपना हाथ अपने आप को डाइजेस्ट कर रहा होता है। हालेलुया, समझ आ रही है नहीं आ रही है। अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि ये सांप निकला क्यों, ये सांप निकला क्यों, गर्मी की वजह से नहीं निकला, ये सांप निकला है आग की वजह से। जब वहां पे आग जली है, तो हीट क्रिएट हुई है, गर्मी क्रिएट हुई है, लेकिन हुआ क्या है, जब उसने उसका पूरा बंडल उठाया लकड़ियों का और लेके उसने जब आग में डाला है, उस टाइम पे सांप को फील हुआ कि ये गर्मी है, अब मैं ज्यादा देर यहां नहीं रह सकता, अब उसे निकलना है, और वो तेजी से बाहर निकला है, उसने उसके हाथ पे पकड़ा है और हाथ पे उसने डसा है, और बाइबल बताती है कि पौलुस ने उस सांप को यूं करके छाड़ के चिटक दिया। तो ध्यान से सुनिएगा, सांप बाहर निकलने की वजह क्या थी, सांप बाहर निकलने की वजह यह थी कि वहां पर आग जलाई गई थी और लकड़ियों के बीच में सांप फंसा हुआ था, और जब डाला गया तो वो घबरा के बाहर निकला। समझ आ रही है, तो आग की वजह से सांप एक्टिवेट हुआ, आग की वजह से सांप एक्टिवेट हुआ। बाइबल में जब भी सांप का जिक्र आता है, ध्यान से सुने, ये शैतान के लिए आता है, शैतान के जो बदरुए हैं, डीमंस हैं, ये उनके लिए जिक्र आता है। जब भी बाइबल में सांप का जिक्र आएगा, इसका मतलब है खुदा बात कर रहा है शैतान की, खुदा बात कर रहा है बदरुओं की, डीमंस की बात कर रहा है, खुदा उसकी बात कर रहा है। और जब आग का जिक्र आएगा,
तो खुदा किसकी बात कर रहा है? खुदा पाक रूह की बात कर रहा है या पाक रूह की आग की बात कर रहा है। समझ आ रही है? तो जब भी बाइबल में सांप का जिक्र आएगा, शैतान और बदरुओं की जिक्र होगा, और जब भी आग का जिक्र आएगा, खुदा किसकी बात कर रहा है? खुदा पाक रूह की आग की बात कर रहा है, खुदा पाक रूह की हजूरी की बात कर रहा है, खुदा की हजूरी की बात कर रहा है। ये होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, आप क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए हैं, आप क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए हैं। पहले इससे पहले मैं एक चीज बता रहा हूं, हम सब जितने लोग यहां पे बैठे हैं, जितने सुन रहे हैं, जितने देख रहे हैं आज, आपको मैं बता दूं, हम सब की फैमिलीज में, हम सब के खानदानों में कहीं ना कहीं शायद कोई सांप छुपा हुआ बैठा है। समझ आ रही? हम सब के खानदानों में, हर एक का नहीं बोल रहा, शायद, फिर शायद का भी लफ्ज लगा रहा हूं, शायद कहीं ना कहीं कोई सांप छुपा हुआ है। कोई सांप छुपा हुआ है, और वो अब से नहीं छुपा हुआ, वो जमाने से छुपा हुआ है, सदियों से छुपा हुआ है। पहले एक चीज आपको थोड़ी सी बता दूं, ये सांप जो शैतान है या शैतान की जो बदरू है, ये उम्र की कैद से आजाद होती है। इनकी कोई उम्र नहीं होती, हमारी उम्र बढ़ती है लेकिन ये एजलेस होते हैं। समझ आ रही है? ध्यान से देखें मेरी तरफ, जो बदरू है और शैतान है, ये एजलेस होता है, इसकी उम्र नहीं होती, कोई इसकी कोई उम्र नहीं होती। अगर उम्र होती तो अब तक बूढ़ा हो चुके होते ये लोग, अभी तक ये लोग वैसे ही जवान है। ठीक है? वो जो सुअरों में चली गई थी ना बदरू, सुअरों में 2000 बदरुएं जब चली गई थी, नहीं 2000 सुअरों में 6000 बदरुएं चली गई थी, सुअर मर गए लेकिन वो बदरुएं अभी भी जिंदा हैं और उतनी ही जवान हैं, उतनी ही पावरफुल हैं जैसे उस टाइम पे थे। तो आप इस चीज में नहीं रहिएगा कि कोई बूढ़ी बदरू हमारे पास है, सारी बदरुएं जवान हैं और उसी ताकत से काम कर रही है जिस ताकत से वो 2000 साल पहले कर रहे थे। दूसरी चीज ये है कि शैतान के पास ये बदरुओं की कोई, उसके पास खपत की कोई कमी नहीं है, उसके पास बहुत बदरू हैं, इतनी है बाइबल बताती है कि आप गिन नहीं सकते, अनगिनत है। अभी इस दुनिया में 7.6 बिलियन लोग हैं, हम गिन सकते हैं, लेकिन शैतान के पास जितनी बदरू हैं कोई गिन नहीं सकता। इसीलिए उसने एक दफा एक आदमी में एक लश्कर भेज दिया था। लश्कर का मतलब है 6000 बदरू हैं सिर्फ एक ही शख्स में। तो ये चीज ध्यान से सुनिएगा कि एजलेस होते हैं, और दूसरी चीज क्या है, ये क्वांटिटी की इनके पास इनको कोई फिकर नहीं है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि हो सकता है जिस तरह ये एक सांप लकड़ियों के ढेर में ठंड में आराम से छुपा हुआ बैठा था, और ये बाहर कब निकला है? जब इसका आग के साथ सामना हुआ है। समझ में आई? जब इसको आग की गर्मी पहुंची है तब ये बाहर निकला है, नहीं तो ये खामोशी से बैठा हुआ था और खामोशी से बैठ के ये शिकार कर रहा था। इसी तरह मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये सांप हम सब की फैमिलीज में कहीं ना कहीं शायद छुपा हुआ है, बैठा हुआ है, और टाइम टू टाइम ये शिकार कर रहा है। अपने वक्त में ये निकलता है, शिकार करता है, और ये वापसी उसी जगह छुप जाता है और किसी को पता नहीं चलता। समझ आ रही है? अगर आपने अपनी फैमिली में चेक करना है कि ये शैतान मेरी फैमिली में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले आप अपनी फैमिली के सारे वाकयात और सारे हादसात का गहरे तरीके से मुताला करें। आपकी जिंदगी में, आपके खानदान में किस तरह की चीजें चल रही हैं, आप अगर बगौर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। यकीनन कोई शैतान छुपा हुआ है जो मेरी फैमिली मेंबर्स को बाहर निकलता है, डसता है और वापस चला जाता है। पहली चीज ध्यान से सुनिएगा, पहली चीज, अगर प्री मेच्योर डेथ हो रही है, प्री मेच्योर का मतलब ये है कोई जवान मौतें हो रही हैं, कोई वक्त से पहले, जिसे हम बोलते हैं, आशर भाई ने पूछा था, नहीं किसी ने पूछा था मेरे से रिसेंटली, कि वक्त से पहले अगर कोई मर जाए, कोई जवान मर जाए, कोई बच्चा मर जाए, कोई जवानी में कोई शख्स मर जाए, अगर आपको नजर आ रहा है कि आपकी फैमिली में इस तरह के लोग मर रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, काफी लाइन से 50 साल की उम्र में जैसे ही पहुंचते मर जाते हैं। मैंने एक दफा आप सबको मिसाल भी दी थी, भुट्टो फैमिली है, मशहूर फैमिली है, सब जानते हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री को आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा लाइन से हर कोई मरता जा रहा है, अपनी मौत नहीं मर रहे,
मारे जा रहे हैं। गांधी फैमिली में आप देखेंगे इसी तरह का ट्रेंड नजर आ रहा है, लोग मरते जा रहे हैं। महात्मा गांधी को मारा, फिर इंदिरा गांधी को मारा, फिर उसके बेटे को मारा। तो इस तरह सिलसिला आपको नजर आएगा और आप देखते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये अनयूजुअल, कोई अनदेखी अनहोनी चीजें हो रही हैं अगर फैमिली में, तो आप समझ लें कि शैतान सदियों से नहीं तो नस्लों से आपकी फैमिली में बैठा हुआ है, और जब उसका दिल चाहता है वो एक शिकार करता है और वापसी चले जाता है, किसी को नजर नहीं आ रहा होता। लेकिन आज मेरा ईमान है कि ये शैतान यहाँ पे एक्सपोज होगा। हालेलुया। अगर आपकी फैमिली में, अगर आपकी फैमिली में मिसकैरेजेस हो रहे हैं, मिसकैरेजेस का मतलब ये है कि औलाद पेट में आती है लेकिन दो तीन महीने के बाद वो बच्चा गिर जाता है, जिसे हम देसी जुबान में बोलते हैं मिसकैरेज का मतलब है अबॉर्ट हो गया बच्चा। अगर आपकी फैमिली में इस तरह का ट्रेंड नजर आ रहा है कि कोई प्रेग्नेंट होता है और होने के बाद कुछ महीने के बाद मिसकैरेज हो जाता है, बच्चा जाया हो गया, अगर इस तरह का ट्रेंड नजर आ रहा है तो समझ लें शैतान छुपा हुआ बैठा हुआ है और वो काम कर रहा है। अगर फैमिली में तलाकें हो रही हैं, ध्यान से सुनिएगा, फैमिली में अगर तलाकें हो रही हैं तो भी बहुत चांसेस हैं कि ये शैतान आपकी फैमिली में छुपा हुआ है और एक जैसा काम कर रहा है। मेरे, मैंने पहले भी बताया था कि हम कराची में जहाँ रहते थे हमारे सामने खाला रहती थी, उनके तीन बच्चे थे और तीनों की तलाकें और तीनों की दूसरी शादी, तो दूसरी शादी, तलाकें, ये सारी चीजें जो है ना, ये इस चीज को जाहिर करती हैं कि शैतान एक छुपा हुआ है और ये इसे बाहर निकालने की जरूरत है। हालेलुया। अगर औलादे पैदा नहीं हो रही हैं, बे औलाद लोग हैं खानदान में, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, हर केस बे औलादी का शैतान की तरफ नहीं जाता। अगर खानदान में ट्रेंड नजर आ रहा है कि बहुत सारे लोग बे औलाद हैं तो फिर इसका मतलब है कि ये शैतान काम कर रहा है। लेकिन अगर खानदान में ऐसा नहीं है कि कोई बे औलाद नहीं है, सिर्फ आप ही बे औलाद हैं, तो फिर इसका मतलब है खुदा का कोई प्रोग्राम है आपके लिए, आप उसमें इस चीज के लिए फिक्रमंद ना। हालेलुया। अगर कोई बीमारी है, कोई कोई मौसी बीमारी है जिसमें हर कोई मर जाता है, इसका मतलब ये है कि वो शैतान आपके खानदान में बैठा हुआ है। अगर शराब नोशी या किसी किस्म की नशे की कोई लत है तो भी इसके चांसेस हैं कि शैतान आपके घर में बैठा हुआ है, आपकी फैमिली में बैठा हुआ है। अगर अनकंट्रोलेबल गुस्सा है, जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें एक गुस्सा होता है, नॉर्मल गुस्सा होता है, गुस्सा करा, चुप हो गए, थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हो गए और कुछ देर के बाद आपने सॉरी वॉरी किया, सब ठीक हो गया। लेकिन कुछ गुस्सा होता है अनकंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल का मतलब है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुस्सा है कि आप किसी को जान से मारने के लिए भी तैयार हो गए। अगर इस तरह की कोई चीज है तो फिर इसका मतलब है शैतान उस जगह पे छुपा हुआ है। अब बोलिए पास्टर साहब, ये निकलेगा कैसे, निकालते हैं। हालेलुया। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? हालेलुया। देखिए, अगर आप मसीह घराने में पैदा हुए हैं, सुनिएगा, बहुत सारों की गलत फहमियां दूर हो जाए, अगर आप मसीह घराने में पैदा हुए हैं तो ये शैतान नहीं निकलेगा। समझ आई? नहीं। अगर आप मसीह घराने में पैदा हुए हैं, मसीह बन के पैदा हुए, बचपन से मसीह हैं, शुरू से मसीह हैं, आपके बाप, परदादा, दादा सब मसीह हैं, तो भी ये शैतान नहीं निकलेगा। समझ आई? अगर आपके घर में कोई पास्टर है, कोई खादिम है, या आप चर्च का कोई काम कर रहे हैं, या आप रेगुलर संडे को चर्च जा रहे हैं, फ्राइडे को चर्च जा रहे हैं, आप चर्च के साथ रेगुलर हैं, ये शैतान नहीं निकलेगा। और सर ये एक ही दस रहे हाँ, मैं बता रहा हूं, ये शैतान नहीं निकलेगा। अगर अगर आप चर्च में खिदमत कर रहे हैं, पास्टर जी मैं तो बड़ा काम करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, कुर्सियां लगाता हूं, खाने बांटता हूं, सब कुछ करता हूं, तो ये शैतान नहीं निकलेगा। अगर आपने कोई चर्च की बिल्डिंग बना दी है पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल में कहीं पे, तो भी ये शैतान नहीं निकलेगा। समझ आ रही है? नहीं आ रही? ध्यान से समझ। ये शैतान निकलेगा कैसे? ये शैतान जब तक आप ये ठंडी मसीह जिंदगी गुजारते रहेंगे, ये शैतान भाग नहीं आएगा। ठंडी मसीह जिंदगी का मतलब ये है कि आप ऐसे शर्च जा रहे हैं जहां पे बिल्कुल कोल्ड सर्विस है, कुछ आपको आना जाना पता नहीं चलता, क्या आप आए और आप वापस चले गए, कुछ फर्क नहीं पड़ा।
अगर आप ठंडी वर्शिप एंजॉय कर रहे हैं, ठंडी वर्शिप चल रही है, कोई आप पे असर नहीं पड़ रहा, ये शैतान बाहर नहीं आएगा। ठंडे मैसेजेस आप सुन रहे हैं, ये शैतान बाहर नहीं आएगा। सुने, ध्यान से सुने। अगर आप ऐसे लोगों की सोबत में हैं जो खुद भी ठंडे हैं, ये शैतान कभी बाहर नहीं आएगा। ध्यान से सुन लें, ये कब आएगा शैतान बाहर? मैंने क्या बताया था, ये शैतान बाहर कब आया? जब आग लगी थी। जब आपकी जिंदगी में आप किसी ऐसे चर्च के साथ जुड़ेंगे जहां पे पाक रूह की आग काम कर रही है, जहां पे पाक रूह की हजूरी है, जहां पे खुदा की हजूरी है, जहां पे लोग रूह से भरे हुए हैं, तब ये शैतान बाहर निकलेगा। समझ आ रही है? जोरदार तालियां बजा। इसे जब गर्मी लगती है, इसे जब ये फील होता है कि मैं आग में आ गया हूं, उछल के आता है और उछल के आता है, ये बाहर निकलता है, तब ये फील होता है। तो आपको जरूरी क्या है कि आप सबसे पहले अपनी गैदरिंग, अपनी सोचें, अपने जो ख्यालात हैं, अपने दोस्त यार हैं, वो आप ऐसी जगह पे रखें जहां पे पाक रूह से भरे हुए लोग हैं। अगर पाक रूह से भरे हुए लोग हैं तो आप देखिएगा आपके खानदान में कोई सा भी सांप है वो बाहर निकलेगा। समझ आ रही है? आपने अपने उन तमाम दोस्तों को अलग करना है जो आपको चर्च से दूर रखते हैं। मैं बार बार आप लोगों को बोला हुआ है, अपने आप को दूर करें, बल्कि खुदा की हजूरी में दौड़ के जाएं, उस जगह आए जहां पे खुदा का रूह काम कर रहा है, जहां पे पाक रूह के मैसेजेस हो रहे हैं, जहां पे पाक रूह छू रहा है, जहां पे आपको हीट महसूस हो रही है, जहां पे खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में असर कर रहा है। आप देखिएगा ये सांप आहिस्ता आहिस्ता से नहीं, अचानक से बाहर एक्सपोज होगा। समझ आए? बाइबल बताती है कि जैसे ये बाहर निकला है, बाहर निकल के उसने पौलुस के हाथ में काट लिया, अपना जहर इस हाथ में उसने डाल दिया। हालेलुया। कितने लोग हैं इस जगह बैठे हुए जो डसे हुए हैं, शैतान के हाथों डसे हुए? मैं खुद बहुत सारों को जानता हूं, किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप में से बहुत सारे कपल ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चे आपके बच्चों को शैतान ने फंसाया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बहुत प्यारे लोग थे, शैतान फंसाया और लेके चला गया। कितना और आप अलाउ करेंगे शैतान को डसने के लिए? कितनी और इजाजत देंगे कि ये आपको डसता रहे, आपके घर वालों को डसता रहे, आपके बच्चों को डसता रहे और आपसे दूर करता रहे? कब तक आप लोग अलाउ करें? कब तक आप लोग ठंडे मसीह बन के रहेंगे? कब तक आप लोग पाक रूह से भर के ये शैतान का मुकाबला क्यों नहीं करते कि इनफ इज इनफ, मेरे खानदान में लाइन से लोग मर गए, लेकिन अब मैं नहीं ऐसा करने दूंगा, मैं खड़ा होऊंगा और इस शैतान को इस घर से, इस खानदान से हमेशा के लिए निकालूंगा। कब तक आप लोग इस तरह करेंगे? आप में से हर एक को खड़ा होना है। मेरा छोटा बच्चा है, कोई अगर उसके पीछे कोई इवन कोई चीता शेर भी लगता है तो मैं छोड़ के नहीं भागूंगा, कम से कम ये तो 100% है, मैं छोड़ के नहीं भागूंगा, अपनी जान नहीं बचाऊंगा, मैं दौड़ के, मेरे हाथ में भले डंडा है कुछ भी है, मैं जाके मुकाबला करूंगा। दाऊद के हाथ में कोई गन नहीं होती थी, दाऊद के हाथ में डंडा ही होता था, उससे मुकाबला करता था और शेर भी मारा है, रीछ भी मारा है। अलाउ नहीं करें इस शैतान को, इस सांप को अलाउ नहीं करें कि आपके खानदान में आके एक एक को डसता रहे और लेता चला जाए और आप लोग मुंह देखते रहे और ठंडी क्रिश्चियनिटी के साथ, ठंडे लोगों के साथ, ठंडे चर्च के साथ बैठे रहे और पूरी जिंदगी गुजार दें। कोई पाखरू की गर्मी, कोई पाखरू की आग आपको टच ना करे कि शैतान को बाहर निकाल सके। कितने लोग आजाद करते हैं कि उस शैतान को बाहर निकाले? मैं चैलेंज से बोल रहा हूं, 50% आप में से अगले हफ्ते गायब, क्योंकि फिर ठंडक में चले जाएंगे, फिर आप बाहर नहीं आएंगे, फिर आपको खींच के निकालना पड़ेगा क्यों भाई बाहर निकलो। हालेलुया। आप ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही उस सांप ने काटा उसको, जैसे ही उस सांप ने काटा तो लोगों का क्या ख्याल था कि ये शख्स जो है ये कातिल है, ये मर्डरर है। बाइबल में लिखा हुआ है कि यकीनन ये गुनाहगार शख्स है, कातिल शख्स है, इसीलिए इसको सांप ने काटा है। ये जहाज के तूफान से बच गया, लेकिन खुदा की आफत है
नीचे पड़ी हुई है और इसको मार के छोड़ेंगे और ये अब मरेगा। लोग आपके आपके लिए हर दफा कोई ना कोई राय कायम कर लेंगे। लोगों की राय पे आप अपने ईमान को नहीं बेचें। लोगों की राय आपके लिए आज अच्छी होगी कल बुरी होगी। यीशु मसीह जब यरूशलेम में दाखिल हुए लोगों ने बोला होशाना 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 मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। ये लोग थे। तीन दिन के बाद यही लोग क्या कहने लगे सलीब दो। तो लोगों की राय सेकंडों में चेंज हो जाएगी। लोगों की राय बदल जाएगी। हालेलुया। आप लोगों ने खुदारा पौलुस की तरह करना है। सांप ने उसको डसा और लोगों ने क्या फैसला किया कि ये गुनाहगार शख्स है। फिर थोड़ी देर सोचने लगे ये स्वेल नहीं हुआ, इसका जिस्म सूजा नहीं, ये मरा नहीं। फिर लोगों ने क्या बोला ये ना मरा है ना सूजा है, ये फिर भी खड़ा हुआ है, यकीनन ये कोई देवता है। हालेलुया। आज आप में से कितने बड़े ईमान के साथ इधर ये बोल सकते हैं कि यस मैं डसा हुआ हूं लेकिन आज मैं खड़ा हूं। हाँ मेरे घर वालों को मुझे डसा है लेकिन मैं फिर भी खड़ा हूं। पौलुस की तरह बोले आप भी कि हाँ मुझे डसा है, मेरे प्यारों को डसा है लेकिन मैं खड़ा हूं, मेरी जॉब को डसा है लेकिन देखो मैं खड़ा हूं, मैं इतने अरसे से बेरोजगार हूं लेकिन फिर भी मैं यूएई में खड़ा हूं, मुझे बीमारी में डसा गया है लेकिन मैं आज फिर भी खड़ा हूं, मेरे घर में मेरी बहन के साथ मेरे रिश्तेदारों के साथ बहुत सारे हादसे हुए लेकिन मैं फिर भी खड़ा हूं। हालेलुया। ये पौलुस ने बोला उसने जहर इसमें डाला लेकिन पौलुस पे असर नहीं हुआ, पौलुस खड़ा। आपकी जिंदगी में हम सब की जिंदगी में बहुत दफा ऐसा होता है कि हम डसे जाते हैं। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो डसा नहीं गया। छोटी उम्र में पाकिस्तान इंडिया में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लड़के हो लड़कियों रेप हो जाता है, लेकिन आज मैं क्या कह रहा हूं खड़े रहे अपनी जगह पर। पौलुस की तरह हाँ डसा हुआ हूं, इकरार करता हूं मैं डसा हूं लेकिन मैं खड़ा हूं, मैं कह रहा हूं। हालेलुया। बाइबल बोलती है पौलुस ने वो सांप जो उसके हाथ पे डसा और लिपटा हुआ था, पौलुस ने ध्यान से सुनिएगा, पौलुस ने वो सांप लिया और आग में यूं करके छेड़ दिया। हालेलुया। आज आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ झटकने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को अपनी जिंदगी से कुछ ना कुछ झटकने की जरूरत है, इस आग में डालने की जरूरत है। आप में से बहुत सारे लोग सुस्ती का शिकार है, मैं सही बोल रहा हूं, सुस्ती को झटके हैं इसमें। बहुत सारे लोग शराब नोशी का शिकार है, झटके हैं इस आग के अंदर। सिगरेट नोशी का शिकार है, झटके हैं इस आग के अंदर। गलत दोस्तों की सोहबत का शिकार है, झटके हैं इस आग के अंदर। आपने बहुत सारी चीजों को आज झटकना है और ध्यान से सुनिएगा, भीतर देखें सब लोग सुने ध्यान से, जिस आग के सबब से ये शैतान बाहर निकला था, जिस आग के सबब से ये सांप बाहर निकला था, सेम उसी आग में वो सांप मारा गया। जिस पाखरू की आग की बदौलत ये बाहर निकलेगा शैतान आपकी जिंदगी से, वही पाखरू की आग इस शैतान को भस्म करेगी आप सबके खानदानों में से। बजाय यीशु के नाम से आप फिर से कोई सालन बाहर निकालें, सालन बाहर निकालते हैं फिर से जमा हुआ होता है, आप बाहर निकाल के खुला करके रखते हैं, थोड़ी देर बाद देखेंगे मक्खियां आगे बैठना शुरू हो जाएंगे। कभी चूल्हे पे से गरम गरम जो खाना है ना जिसमें से धुआं निकल रहा था उसका ढक्कन उठा के आप अलग कर दें, कोई मक्खी बैठेगी उस पर? आपको इस तरह से गर्म रहना है, हर वक्त पाक रूम में गर्म रहना है कि कोई शैतान आप पे बैठ ना सके, कोई आपके खानदान में बैठ ना सके, कोई आपके घर में नहीं बैठ सके। हालेलुया। बाइबल बताती है कुछ दिनों के बाद ये सारी चीजें जब हो गई हैं तो उस जगह का उस माल्टा का जो सरदार था उसने पौलुस को अपने घर पे बुलाया और अपने घर पे बुलाया, तीन दिन तक उनकी खातिर मदारत करी। तब पौलुस को पता चला कि ये जो सरदार है इसके बाप की तबीयत खराब है, उसे बुखार और पेचिश है, तो
पौलुस ने बोला उसको लेके आओ या मुझे उसके पास लेके जाओ। और वो पौलुस को उधर लेके गए उसके बाप के पास। पौलुस ने उसके बाप के लिए दुआ करी और उसके बाप के ऊपर हाथ रखा। हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा, वो हाथ जिसको शैतान डस रहा था, वो हाथ जिसमें शैतान ने जहर डाला था, वही हाथ से शिफा निकल गई। जिस हाथ पे अटैक था वही हाथ से शिफा निकल गई। बाइबल बताती है इंस्टेंटली, इमीडिएटली, एकदम से वो आदमी ठीक हो गया। और जब वो आदमी ठीक हो गया तो उसने क्या किया, उसने सारे इलाके के जितने बीमार थे वो बुलाना शुरू कर दिए। समझ आ रही है, जितने बीमार थे उस इलाके में सबको बुलाना शुरू कर दिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, शिफाया क्रूसेड वहां पे शुरू हो गया। समझ आ रही है, हीलिंग क्रूसेड वहां पे शुरू हो गया। किसी के वहमो गुमान में नहीं था ये ऐसा होगा, लेकिन अब समझ में आ रहा है खुदा इस टापू पे क्यों लेके आया था। पौलुस को 276 लोगों को इस माल्टा पे आने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन माल्टा के लोगों को पौलुस की जरूरत थी। आप लोग हो सकता है आज जिंदगी के, आप लोग हो सकता है जिंदगी किसी ऐसी जगह पे पहुंच गए, आप समझ रहे यार मैं यहाँ क्यों आया हूं, लेकिन खुदा का प्लान है आपकी जिंदगी में। वो प्लान को आप पूरा करें और देखें फिर खुदा किस तरह से आपको बाहर निकाल रहा है। बाइबल बताती है कि वहां पे काफी अरसे तक ये लोग उधर हीलिंग करते रहे, लोगों को शिफाएं देते रहे। उसके बाद उन लोगों ने 276 लोगों के लिए जहाज अरेंज किया। और आखिरी आयत जो पढ़ी है उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने उनको सामान के साथ रुखसत किया। अगर आप खुदा के पर्पस में काम कर रहे हैं, खुदा की हजूरी में काम कर रहे हैं, पाखरू की आग में काम कर रहे हैं, भले हालात आपके आसपास कैसे भी हो, आज मैं आपको बता रहा हूं खुदा आपको मुहैया करता रहेगा, किसी भी हाथ से मुहैया करता रहेगा। एक आदमी नहीं था, 276 लोग थे और आगे रोम तक जाना है। उन लोगों ने सारी सप्लाई लिए और सारी सप्लाई इन लोगों को दिए कि रोम तक तुम्हारे पास किसी चीज की कोई कमी ना हो। कितने लोग खुदा के इरादे को पूरा करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, ऐसे ऐसे हाथ उठाने में हमारा चर्च तो बड़ा मायर है, हाथ उठाता है उसका तो हाथ अगले होते नजर ही नहीं आता। अगर आप खुदा के पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपकी जिंदगी की सारी जरूरतें खुदा इलाही खजाने से किस तरह से पूरा करेगा आपको भी नहीं पता, लेकिन खुदा पूरी करेगा। अपनी जगह पर खड़े हो जाए बहुत आसमानी बाप, यीशु के कादर नाम में खुदावंत, हम शुक्र गुजार हैं इस कलाम के लिए, हम शुक्र गुजार हैं खुदावंत इस खूबसूरत मैसेज के लिए। और ईमान रखते हैं खुदावंत कि आज हम सब की जिंदगी में खुदावंत जहाँ कहीं भी ये शैतान बैठा हुआ है, जहाँ कहीं भी इबलीसी कुवतें बैठी हुई हैं और बरसों से बैठी हुई हैं, सालों से बैठी हुई हैं, सदियों से नस्लों से बैठी हुई हैं, आज यीशु के कुदरत वाले नाम से खुदावंत हम पाक रूह की आग को यहाँ पे बुलाते हैं खुदावंत। पाक रूह की आग खुदावंत अपने लोगों पे आज नाजिल हो, पाक रूह की आग खुदावंत इनके खानदानों को छुए, पाक रूह की आग इनकी जिंदगियों को छुए खुदावंत, ताकि इस गर्मी के सबब से ये शैतान बाहर निकले, ये गर्मी के सबब से शैतान एक्सपोज हो खुदावंत। यीशु के कुदरत वाले नाम से खुदावंत एक एक भाई बहन बेटी पे खुदावंत है बाप आपका फजल मांगता हूँ, पाखरू की आग मांगता हूँ खुदावंत, ये लोग पाखरू में मसा में रहे और खुदावंत है बाप हमेशा गर्म रहे, ताकि कोई शैतान इनके ऊपर बैठने वाला ना हो। यीशु के नाम से इनके खानदानों में जहां कहीं भी खुदावंत कोई इबलीस काम कर रहा है खुदावंत, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम जो हर खानदान के हर एक शख्स के साथ हो रही है, यीशु के कुदरत वाले नाम से खुदावंत उस पाक रूह के सबब से जिसने इस शैतान को बाहर निकाला और उसी पाक रूह की आग में शैतान मारा गया, हम खुदावंत है बाप अपने सारे जिंदगी में जितने भी मेरे चर्च के लोग यहाँ पे बैठे हैं जिनके खानदानों में कोई प्रॉब्लम है, खुदावंत इस पाक रूह की आग में हम इस शैतान को हमेशा के लिए जलाते हैं। यीशु मसीह नासरी खुदावंत आप हमें शिफा देने वाले खुदा हो, आप हमें छुड़ाने वाले खुदा हो, और आपका रूह खुदावंत है बाप चीजों को एक्सपोज करता है और जलाता है। यीशु की पाक रूह खुदावंत है बाप आपका शुक्र करते हैं, पाक रूह आपका शुक्र करते हैं, पाक रूह आपका शुक्र करते हैं। ओ रबा शांत हो रे बे, थोड़ी देर गैर जुबानों में दुआ करें, जो लोग कर सकते हैं गैर जुबानों में दुआ करें। Holy Paramashya Abhasukh, Holy Vashantvalede,
यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पाक रूह की ये नेमत नहीं मिली है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गैर जुबानों में दुआ नहीं कर सकते। कुछ लोगों को ये नेमत मिली थी लेकिन उन्होंने वेस्ट कर दी, उन्होंने गवा दी, आज वो नहीं कर सकते। आसमानी बाप हमें रूह में बात करना सिखाइए, आसमानी बाप हमें रूह में दुआ करना सिखाइए। खुदावंत हम नहीं जानते हमें किस चीज की जरूरत है, लेकिन कलाम बोलता है कि रूह हमारी रूह के साथ मिलकर इस तरह से शिकायत करता है। हालेलुया आसमानी बाप, ये चर्च को खुदावंत पाक रूह से मसक कीजिए, यहाँ के लोग खुदावंत पाक रूह से अनॉइंटेड हो। खुदावंत ऐ बाप इनको छूइए ताकि खुदावंत ये किस्म किस्म की जुबानें बोले। हालेलुया आसमानी बाप, आपका शुक्र करता हूँ। ऐ बाप लोगों को आजाद किया, आपका शुक्र करता हूँ। खुदा उन घरों को पाक किया, आपका शुक्र करता हूँ। खानदानों को आपने खुदा उन पाक किया शैतान से, हम शुक्र गुजार हैं खुदा। यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम से।